इस वीडियो में पढ़ेंगे एरे को कैसे अपडेट किया जाए। तो एक फाइल बना लेता हूँ, सबसे पहले नाम दूंगा एरे, ठीक है, और फिर दे दूंगा अपडेट डॉट सीपीपी, फाइल इंस्ट्रक्शन दे दिया। और फिर उसके बाद इस बेसिक सी प्लस प्लस के कोड के लिख लूँगा। फिर उसके बाद एक एरे बनाऊँगा, यहाँ पर साइज डिक्लेयर नहीं करूँगा, और डिक्लेयर और इनिशियलाइज यहीं पर कर दूंगा इसका डाटा वगैरह, ठीक है। इसके अंदर डाटा मैं कुछ डाल दूंगा, आपको जितना डाटा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकता है, मैंने साइज नाम कर दिया। और इस वेरिएबल में क्या करूंगा, इस एरे का साइज निकाल के रख लूंगा। कैसे निकालूंगा, साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से, साइज ऑफ और उस एरे का नाम, जब हम लोग सी प्लस प्लस पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे, फिर लिखना है साइज ऑफ और किस डाटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है तो वो लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इंटीजर है कि क्या है, तो उस एरे का नाम का पहले स्टिक का सिंबल लगा दे। तो मैं सबसे पहले प्रिंट करके देख लेता हूँ इसका साइज प्रिंट हो रहा है कि नहीं, सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। लगता है फाइल नेम में गड़बड़ हो रहा है, रीनेम कर लेता हूँ, ई हटा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखिए 6 आ गया। हमको पता था यार एरे अपडेट डॉट सी पी पी के नाम से कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो क्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ऐसे ही है। तो इसको हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। और मैं एक फोर लूप लगाऊंगा और पूरे एरे को प्रिंट कर लूँगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, इसके साइज तक, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं कैसे एरे को प्रिंट किया जाता है। सी आउट कर दूंगा और एरे का आई इंडेक्स को पास कर दूंगा, थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, ठीक है। और लास्ट में सी आउट लगा कर इंड लगा देता हूँ कि एक नया लाइन बन जाए। अब मेन कोड यहाँ से शुरू होगा। अब मैं यूजर को मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट इंटर डाटा टू अपडेट बिगनिंग, ठीक है। तो उसको मैसेज आएगा तो वो तो डाटा डालेगा ना, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई तो वेरिएबल चाहिए ना। तो एक डाटा नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया। अब ये क्या करेगा, बिगनिंग में डाटा अपडेट करने के लिए कुछ डाटा डालेगा, तो इस डाटा नाम का वेरिएबल स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको पता है कि एरे को हम डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बिगनिंग क्या है, 0 इंडेक्स है, यानी कि एरे का 0 इंडेक्स इक्वल टू कर दो जो भी यूजर के थ्रू डाटा लिया था। फिर उसके बाद एरे को प्रिंट कर दो, ये जो एरे है ना इसको प्रिंट कर दो। कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोड और पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करूँगा और रन करूँगा। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 आया। इसके बाद मैं डालता हूँ 85, देखिए बिगनिंग में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। वही हमें अंतिम अपडेट करना रहता, यानी कि एरे का साइज -1, देखिए साइज से किया था ना, एरे का साइज -1 करूँगा ना, साइज -1, साइज -1 क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स है, क्योंकि 6 एलिमेंट है, 5 इंडेक्स है, एरे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होता है। पर हम क्या कर रहे हैं, साइज हमारा 6 बता रहा है और इंडेक्स इसका 5 है, तो 6 -1 करेंगे यानी कि 5वां इंडेक्स आ जाएगा। तो सेव करूँगा और रन कर दूंगा। तो अभी देखिएगा ये तो पूरा प्रिंट आ गया। अब मैं डालूंगा 100, तो देखिए 60 की जगह 100 हो जाएगा, 50 के बाद सीधे देखिए 100 हो गया। अब चाहिए कि मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैसेज तो कुछ भी डाल सकते हैं, अपडेट इंड कर सकते हैं, मैं आप यहाँ कर देता हूँ। इससे पहले वाला भी इंड कर दीजिएगा मैसेज को, वरना पता चला कि यूजर को मैसेज करे बिगनिंग में और अपडेट करते रहे इंड में, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इंटर डाटा टू अपडेट एनी पोजिशन, शॉर्टकट में POS दे दिया। अभी डाटा तो डालेगा पर किस पोजिशन पर डालेगा, तो एक पोजिशन नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। और पोजिशन के लिए सी इन कर दूंगा और इस पोजिशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। सबसे पहले पोजिशन देगा किस पोजिशन में डालना है, और फिर इसके बाद मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट इंटर डाटा, ठीक है, कौन सा भाई डाटा डालना है। तो डाटा डालना है इस, जो भी डाटा डालेगा इस डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो जो भी डाटा डाला, मान लीजिए 50 या 60 डाला, मानते 60 डाला, तो देगा पोजीशन। तो हम लोग डायरेक्ट पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं भाई, एरे में डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर पोजीशन पास कर दूंगा, पोजीशन इक्वल टू डाटा कर दूंगा, जो भी डाटा में आएगा उस स्पेशल पोजीशन पर चल जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, एरे अपडेट करता है इंडेक्स के थ्रू। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, एक बार कोड को रन करा देता हूँ, ठीक है।
चलिए कोड को रन करते हैं। अभी ये क्या करेगा, इंडेक्स वाई अपडेट करेगा। मान लीजिए मैंने डाला 3, तो देखिएगा तीसरा इंडेक्स वो अपडेट करेगा। मैंने डाला 45, 0, 1, 2, 3। देखिए तीसरा इंडेक्स वो अपडेट कर दिया, पर पोजीशन क्या है, 1, 2, 3, 6। नॉर्मल हम लोग इंसान पोजीशन से समझते हैं, इंडेक्स से समझते नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन -1 कर दूंगा। अब डायरेक्ट पोजीशन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डालूंगा पोजीशन, डाला 3, और यहाँ पर डाल दूंगा कितना, 56। 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर 56 आ गया, ठीक है।